हेलो गाइस, वेलकम टू द माय न्यू ब्लॉग। और अभी हम जा रहे हैं तालाब पर, तो देख रहे होंगे मेरे पीछे ये रोड है जो कि स्टेट हाईवे है, तो इसी से होते हुए अब जा रहे हैं तालाब पर। और आज बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, दो तीन दिन से काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर बारिश हो गया था और लगातार मौसम में गिरावट आ रहा। रात में तो 4-5 डिग्री आ जा रहा है टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अभी तो चल रहे हैं तालाब पर और रोड देख रहे हैं कितना सुनसान है, केवल इक्का दुक्का बाइक वाले ही जा रहे हैं, बाकी इधर इतना ठंड है कौन निकलेगा। तो बहुत ज़्यादा रोड सुनसान है जबकि ये स्टेट हाईवे हमेशा चहल पहल रहता है। इसी से रास्ते से होते हुए अब जा रहे हैं तालाब पर, वो जो छोटा छोटा पेड़ की तरह दिखाई दे रहा है, तो रहर का पौधा है वहीं है, तालाब वहीं पर चल रहे हैं। अभी हम आ गए हैं तालाब पर, ये पीछे देख रहे होंगे यहीं रहर का पौधा है और ये है मेरे पीछे ये तालाब। तो अभी तो आ गए हैं तालाब पर और चल उस कॉर्नर जो एक छोटा सा अमरूद का पेड़ दिखाई दे रहा है, तो उधर चलते हैं, वहीं पर बैठते हैं थोड़ी देर, फिर उसके बाद चलेंगे घर या देखते हैं कहाँ चलते हैं। और ये एक सेब का पौधा लगाए हैं, इसको तो बार बार हिरन सब आके चढ़ जाता है, तो फिर से ये अब जान बना रहा है धीरे धीरे। और उधर ट्रैक्टर जा रहा है किसी का सामान वगैरह लेकर। और ये है अमरूद का पेड़, यहाँ पर 3-4 पेड़ अमरूद लगाया गया है, उसके आगे फिर अनार का पौधा है। अनार वाला तो फलता नहीं है, अमरूद तो फलता है, पता नहीं अनार वाले में क्या प्रॉब्लम है, अनार वाला तो फलता ही नहीं है, और जबकि बहुत पुराना पौधा हो गया अनार वाला, 2-3 साल पुराना हो गया। और ये है मौसमी का, ये भी ठंड की वजह से उसके पत्ती देख रहे हैं पूरा एकदम सिकुड़ रहा है। और ये है नींबू का पौधा, और यहाँ पे भी बैंगन लगाया गया, तो इन सभी को चीज़ों को भी खा जाता सब हिरन वगैरह। और यही है अमरूद का पौधा, इसमें फला भी है, देखिए अमरूद फला हुआ है, बाकी बहुत सारा फल आता है पर ये भी मिलता नहीं है उतना खाने के लिए। करते हैं यहीं है चौकी, यहाँ पे पटान उटान होता है इन सब खेतों का, तो यहाँ पे हम लोग रात को टेंट वगैरह लगा के यहीं पर सोते हैं इसकी वजह से। और यहाँ तालाब में आए थे ये रोटी डालने, कि जो घर का रोटी बच जाता है तो रोटी को ला कर तालाब में डाल देते हैं, खा लेती हैं मछली वगैरह तो सब आती हैं। और अभी तो यहीं पर बैठेंगे, और इतना मौसम ख़राब हो रहा है, लिटरली बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा है। और ये सामने देख रहे हैं एक किसान है जो कि अपने खेत में खाद मार रहे हैं, कल का बारिश हो गया तो खाद डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा गेहूं वो जल्दी थोड़ा विकास करेगा। और उधर कितना धुंध टाइप का हो रहा है, तो हवा है बहुत तेज, और देख रहे हैं ये पेड़ कितना हवा में हिल रहा है। गाइस अभी तो चल रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे धान को अलग किया जा रहा है, तो इधर ही पासी में है खेत, तो वहाँ पे अभी इतनी ठंड में भी किसान लोग अपने जो छोटे छोटे किसान होते हैं अपने खेतों को हाथ से काट देते हैं, तो वो लोग फिर मशीन के द्वारा धान को जो होता है धान का गट्ठर को उसको उसमें डालते हैं, फिर उसके अलग होता है, तो पूरा प्रोसेस को दिखाते हैं। यहीं पर पासी में हो रहा है, तो अभी तो चलते हैं वहाँ पर। और यही वो मशीन है जिसमें से धान को दाया जा रहा है, यहाँ से ऊपर से लोग डाल रहे हैं और यहाँ से ये निकल रहा है और इधर पुआल आ रहा है। ऐसा कुछ होता है गांव में, इस तरह धान को अलग किया जाता है गट्ठर में से, वहाँ पे गट्ठर है, गट्ठर से ला रहे लोग। गाइस अभी तो चल रहे हैं घर, और आज के ब्लॉग में बस इतना ही था, तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ।